रंगो रंग रंगीलो प्रदेश राजस्थान के उदयपुर जिले की पंचायत समिति फलासिया से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मादड़ी में अटल सेवा केंद्र से जेरा महादेव तक जाने के लिए व मेन रोड से पाड़लिया फला की ओर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इस समस्या का समाधान महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेंस योजना के अंतर्गत WHS रास्ता मैं पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत करवा कर किया गया। जेरा महादेव मंदिर, जिसको आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में पूजते हैं, इस मंदिर तक जाने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। अब यह रास्ता बन जाने के बाद सारी समस्याएं समाप्त होने लगी है। अब लोग आसानी से पैदल व अपने वाहनों से भी यहाँ पर आ जा सकते हैं। इस रास्ते के बनने से ग्रामीण लोग व श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक आने जाने लगे हैं। ग्राम पंचायत मादड़ी के ऊपरी हिस्से के पहाड़ पर पाड़लिया फला के नाम से एक बस्ती है। फलावासियों को उपयुक्त रास्ते के अभाव के कारण डिलीवरी के समय या अन्य किसी गंभीर बीमारी अवस्था के समय अपने किसी आवश्यक कार्य होने पर अपने निर्धारित स्थान तक समय पर पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। रास्ता दुर्गम होने से पूर्व में कई बीमार लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, जो कि अत्यंत पीड़ादायी स्थिति ग्रामवासियों के लिए हुआ करती थी। इस प्रकार पाड़लिया फला तक सुगम रास्ता नहीं होने के कारण वहां के लोग काफी असुविधा महसूस किया करते थे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से पाड़लिया फला तक आज़ादी के बाद 70 सालों में पहली बार रोड पहुंचाने का एक अच्छा कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत किया गया है। अब मेन रोड से पाड़लिया की ओर जाने के लिए एक सुगम रोड बन जाने से यहाँ के लोग चिकित्सा सुविधा, वाहन सुविधा तथा अपनी मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से और कम समय में कर पाते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम मादड़ी के लोगों के लिए एक वरदान साबित होती दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत WHS रास्ता मैं पुलिया व कटिंग रोड बन जाने से गांव का हर एक व्यक्ति काफी खुश नजर आने लगा है। मेरा नाम महेंद्र कुमार दामा है, ग्राम पंचायत मालडी, तहसील जाड़ा, जिला उदयपुर। और हमारे ये नरेगा चलने से हमारा बहुत अच्छा काम और अच्छा रोजगार भी मिलता है। और ये माँ देवी जी का स्थान है, यहाँ एक फूल लेके आते हैं लोग और से पंचायत का गांव के लोग आते हैं और यहाँ जो विसर्जन करते हैं। और एक निकट भी बनना चाहिए यहाँ पे और विकास भी अच्छा होगा और लोग बड़े बड़े संत भी आते हैं यहाँ पे और रहते भी हैं, थोड़े दिन पहले रहते, अभी है नहीं थोड़ा दिन। और रोड होने से हमारा बहुत अच्छा है। और ये है पौना 2 किलोमीटर रहेगा हमारा, ये मेन रोड से 1.25 किलोमीटर है हमारा ये जीरा महादेव जी रोड। और रोड बनने से हमारा ये बहुत अच्छा विकास हुआ और गाड़ी वगैरह चढ़ती ऊपर और ये लोग आते हैं जाते हैं जंगल, ये जुगण वेल भी कहते हैं इनको, ये वेल हमारा ये मवेशी पक जाती है थे काम में आती है पिलाने से। हाँ, पहाड़ काट के आई है ये बहुत ऊँची पत्नी सटने के लिए सरकार से हम।
मेरा नाम जगदीश कुमार कसोटा, ग्राम पंचायत मालड़ी। सरपंच हमारे माँ है अंबावी देवी कसोटा। मैं समाजसेवी, गांव मालड़ी, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राजस्थान। मैं सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस ग्रामीण इलाके में जो एक रोजगार गारंटी के तहत मेन रोड आईटी सेंटर से जेरा महादेव तक 2.25 किलोमीटर जो आज से तकरीबन 8 महीने पहले यहाँ आदरणीय कलेक्टर महोदय जी पधारे थे, ग्रामीणों की कई वर्षों से जो डिमांड थी, यहाँ एक आस्था का केंद्र है। आस्था के केंद्र पे आने के लिए लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे पगडंडी रास्ता था, पहले खड्डे थे, पशुओं को जाने आने की समस्या थी और कई तरह की विभिन्न यहाँ की समस्या थी। उन समस्याओं को मद्देनजर देखते हुए जनता ने जो डिमांड की, वो डिमांड को लेके हमने जन सुनवाई में आदरणीय कलेक्टर महोदय जी यहाँ पधारे थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के अंदर मार्च अप्रैल में हमारे इस काम को सरकार ने और आदरणीय कलेक्टर महोदय ने इस काम को प्रस्तावित किया और आज इस काम को रोजगार गारंटी के तहत ये रोड 2.25 किलोमीटर स्वीकृत हुई, जो आज यहाँ अभी चालू कंडीशन में है। और आज इस क्षेत्र में हमारी तकरीबन 10 पंचायतों के बीच में ये एक जीरा महादेव जी एक आस्था का केंद्र है, जो लोग किसी भी भाई के परिवार में यदि मृत्यु होती है, वो लोग हमारे यहाँ से गंगा जी, हरिद्वार, बेणेश्वर धाम या अन्य जगह पर धार्मिक स्थान पे ना जा करके यहाँ पे एक आस्था का जो केंद्र है, उस केंद्र पे हमारा यहाँ एक जीरा महादेव जी के नाम से जाना जाता है, जो अस्थि विसर्जन का काम 12 महीना में, बैसाख के महीने में तकरीबन 1 महीना में 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पे अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं, जो यहाँ का इन लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। और यहाँ का जो मेन एक जोगनवेल का जो एक स्थान है, एक बेल है, इस बेल को जो ऊपर पत्ते हैं, उन पत्तों को लोग हमारे यहाँ एक क्रियावर के रूप में ले जाते हैं, जिसे पुण्य का काम होता है, ये सुनने में आया है। और यहाँ की जो एक बेल है, उस बेल की जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, ये एक इतना आसानी से एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में जो काम करते हैं, जो किसी की भी हड्डी टूट जाती है या इंसान की है, जानवर की, किसी की भी है, तो उसको लोग ले जा करके और उसकी एक मलहम लगा करके लेप करते हैं, ताकि वो जोगनवेल की जो टहनियाँ हैं उससे लोग मतलब सही सलामत हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इस आस्था के केंद्र के बारे में बताना चाहता हूं कि आदिकाल से सदियों से पुराना हमारा एक जो आस्था का केंद्र है, यहाँ पे आने के लिए लोगों को भारी एक भरकम समस्या थी। उस समस्या को आज सरकार ने के मार्फत से हमारे यहाँ पे एक अच्छा रोड बना है और रोड बनने से लोगों को आवागमन के लिए एक व्यवस्था मिली है। पहले यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं आती थी, गाड़ियाँ नहीं आती थी, ट्रैक्टर नहीं आती थी। आज की तारीख में जो हमने जो रोड निकाला है या रोड निकल रहा है, यहाँ पे गाड़ी भी आ रही है, मोटरसाइकिलें भी आ रही है, फोर व्हीलर भी आ रही है और एक इस स्थान को एक धार्मिक स्थान के रूप में हमें काफ़ी आगे डेवलपमेंट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और सरकार से भी हमारी यही आशा है कि ऐसे हमारे धार्मिक स्थानों पे जो जनता की डिमांड है, जो आगे सुनवाई करें और ऐसे कामों को आगे भी भविष्य में स्वीकृत करें, ताकि लोग इनसे जुड़े। और हम यहाँ से भी कहते हैं कि इस बस्ती से ऊपर भी हमारे 50 परिवार ऐसे रहते हैं जो आज़ादी के बाद उन्होंने रोड नहीं देखी है, और ये रोड निकलने के बाद उन लोगों को भी आने जाने की सुविधा रहेगी। और ऊपर हमारे तकरीबन 250 परिवार जो हैं, एक वन विभाग की अड़चन की वजह से आज दिन तक रोड से जुड़े नहीं है, परंतु आज जो ये इतना भी रोड हुआ है, उन लोगों को यहाँ आने जाने की एक सुविधा मिली है। इसलिए हम आदरणीय कलेक्टर महोदय जी और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भविष्य में आशा करते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ ग्रामीण और जनता की डिमांड के अनुसार आगे भी भविष्य में ऐसा हमें काम मिले। धन्यवाद।
हाँ, हमारा नाम बुरीलाल मुसिया है, ग्राम पंचायत मादरी, गांव का नाम मादरी है हमारा। और हमारे यहाँ ये जरा महादेव जी का रोड है, ये हमारे पहले कई सालों से यहाँ आने जाना गाड़ी का कोई नहीं था, जो अभी हमारे यहाँ ये नरेगा से स्वीकृत हुआ, ग्राम पंचायत मादरी से हमारे सरपंच द्वारा, ताकि मादरी से मेन रोड से हमारा यहाँ जरा महादेव से अभी ये रोड हुआ है। तो यहाँ बहुत पवित्र धाम है, कई मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जोगन वेल, ये वेल है, बहुत पुरानी वेल है, ये दर्शनीय है, लेकिन यहाँ आने जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी हमारे, लेकिन अभी ये कार्य होने से हमारा अभी गाड़ी आराम से आ सकती है, अभी पूरी नहीं आ सकती है, पूरा हुआ नहीं है। इस रोड बनने से तो हमारे को आना जाना हो जाएगा, ये पवित्र स्थान है, इसका बहुत ही बहुत मान्यता है, मान्यता हो जाएगी इसकी, मान्यता। हमारे यहाँ मेला लगता है, वो फूल मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में यहाँ पे वो फूल लेके आते हैं हमारे, उससे हरिद्वार नहीं जा करके, हमारे यहाँ जयराम महादेव जी एक पवित्र स्थान है, इस जगह हमारे वो अस्थि विसर्जन करते हैं, यहाँ पे सभी लोग यहाँ से 2-4-5 पंचायत से हमारे लोग यहाँ आते हैं, और यहीं हमारा ये कुंड है, और यहाँ एक तालाब बन जाए तो भी अच्छा हो जाता है हम लोग यहाँ। मादरी और मेरा नाम है सूरज मलदामा, मैं इधर आता हूँ मादरी सोमवार को रोज, इसलिए आने जाने का सुविधा सी है, गाय बैल भी आते हैं इधर के, नीचे भी गिर जाते हैं, वो सुविधा इधर रोड और की कमी, हम भी पैदल आते हैं। आपके लिए धन्यवाद सर। नहीं था एक इंसान जा सके, इतना भी नहीं था, अभी बना है, पहले तो बहुत खराब रोड था, अभी तो सही है, फोर व्हीलर गाड़ी भी जा सकती है, बाइक हाइक भी जा सकती है, सब कुछ जा सकता है सर, अभी हाँ फायदा हुआ है सर, जाए तो सही है सर, अच्छा हुआ है। नाम नितेश कुमार लोहार, गाँव मारी, तहसील जाड़ो, जिला उदयपुर। हमारा ये रोड बना है अभी नया, पहले तो बहुत झंझट था, नहीं तो बाइक भी आने की कंडीशन में पैदल चलते थे लोग, अभी यहाँ से रोजगार गारंटी में काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। आईटी सेंटर से जयराम महादेव जी रोड है, इसमें यहाँ जयराम महादेव जी की एक प्रसिद्ध स्थान है, और इधर ये जोगेल की बेल है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, जड़ी बूटियों के काम में आती है, और यहाँ पे वैसाख महीने में कम से कम 4-5 हज़ार श्रद्धालु आते हैं, जो हमारी जैसे अपने लोग वहाँ जाते हैं अपने हरिद्वार अस्थि विसर्जन करने के लिए, वो हमारी मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, इस वजह से पैसे की कमी के कारण हमारे इसकी बेल्ट के लोग बिल्कुल भाई हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं, जो अस्थि को यहाँ पर विसर्जित करते हैं, और ये रोड बनने से और भी ज़्यादा लोग आने की संभावना है, और ये पर्यटन ये बहुत पुराना स्थान है, और इसके को करने से बहुत अच्छा है,
रोड बनने से गाड़ियाँ भी आ सकती है, सब कुछ अच्छा होगा। पहले कैसी थी ये रोड? पहले बहुत जंजर था, बिल्कुल ही पगडंडी की रास्ता भी नहीं था पहले। अभी बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। क्या आशा करते हैं आप सरकार से? सरकार से आशा करते हैं यहाँ पे और पर्यटक स्थल बन जाए हमारे, और आने जाने के बहुत अच्छे साधन हो जाएंगे, तो लोग दूर दूर से आएंगे यहाँ पे। और हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ये रोजगार गारंटी में बहुत अच्छा काम करवाया। धन्यवाद। हाँ सर, मेरा नाम कन्यालाल गोलना है, ग्राम पंचायत नादड़ी और पड़ले फला मेरे। चलो आते हैं दो चार दिन। क्या क्या समस्या थी सर पहले आपको यहाँ? ये समस्या सर ये 70 साल से पहली बार रोड बना है। ठीक है। और समस्या तो बनी रहती है, आने जाने में बहुत दिक्कत है, गेहूँ लेने जाना या पीछा जाना माथे पे लेके जाते हैं। 6-7 किलोमीटर है सर, पहले पैदल ही जाते थे सर, नहीं था सर, अभी बना है। रोड होगा सर तो आने जाने की सुविधा हो जाएगी, गाड़ी घोड़े सब आएंगे। पहले नहीं आ सकते थे। अच्छा सर, सारा ग्राम बनने वाला है। क्या क्या कार्य हुआ सर? ये पेड़ पौधे लगाए गए, टेंट वाला है, पेड़ थे सर, फल वाला है अधिकतर, तो अधिकतर फल वाले हैं। करण जी है, रतन जोत, महुए, स्थानीय लोगों को फायदा होगा इसमें, जो रतन जोत है उसके भी इनके बेचेंगे। धन्यवाद। नाम संधिलाल कसोटा है, ग्राम मादड़ी। मैं इस पहाड़ी के ऊपर पड़लग फला है यह रहता हूँ। सर मैं आज से पिछले लंबे समय से 70 साल हो गया देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम यहाँ के लोग आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि हम गुलामी की जंजीरी में हिस्से, क्योंकि यहाँ रोड नहीं था, हमारे को आने जाने में बहुत दिक्कत थी। यहाँ से कोई डिलीवरी मामला था तो भी हम उसको तोक के लेके जाते थे, और ऐसे रास्ता था कि दो जने भी मुश्किल से चल पाते थे। बीमार हो जाता है तो भी हमको जोली में लेके जाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा हमारी दिक्कत है। इधर रोड ना होने के बाद से हमारे को पानी पीने के लिए भी 2-3 किलोमीटर दूर एक दर्रे होते हैं, उसके अंदर पानी लाते हैं हम, वो भी, और हमारे यहाँ पशु हैं वो ओनली फॉर दिन में एक बार पानी पीते हैं, क्योंकि पानी की बहुत समस्या है। एक बार जाते हैं और 3-4 किलोमीटर पानी पी के दूसरे दिन वापस जाते हैं, इसलिए हमारे बहुत बड़ी समस्या सर। इसलिए हमारा, हमने सुना भी उस टाइम में हमारे सरपंच साहब से कहा था, हमारा सबसे पहले हमारी कोई बात नहीं, पगडंडी रास्ता है उसको थोड़ा भी कच्चा भी रोड करवाइए, तो हमारे सरपंच साहब ने ये काम करवाया, आज हम जा सके आ सके। ज़्यादा मजबूरी में भी मोटरसाइकिल चढ़ा सकते, अभी कोई मोटरसाइकिल नहीं चढ़ी थी, लेकिन अभी लगभग महीना भर हुआ हमारे रोड करवाया सरपंच साहब ने, इससे हमारे को सरपंच साहब को भी धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि और सरकार को भी हम आभारी हैं कि ये हमारा रोड एक डामरीकरण हो जाए, जिससे हमारी सारी समस्या सोल्यूशन हो सकती, बिजली पानी सारी हो सकती है सर। लगभग 4-5 फले हैं, उन सबको फ़ायदा मिलेगा। उस ग्राम पंचायत मादड़ी के 7 वार्डों के लोग सब रहते हैं यहाँ। एक सरकारी विद्यालय है लरामा फला में, और यहाँ 2 मावाड़ियाँ चलती है, बच्चे छोटे हैं तो मावाड़िया में 4 तक पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद क्या होता है सर, इतनी लंबी दूरी पे छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जाने आने में दिक्कत रहती है,
क्या हुआ था, ऊँटों पे सीमेंट और रेती लेके जाके और पत्थर, बड़े पत्थर थे, उनको तोड़ के फिर वो सीसी भरी, ऐसे किया था सर। मेरा पूनम चंद खबरा गांव मादड़ी, और मैं ऐसे तो नीचे रहता हूँ लेकिन हमारे जमीन भी ऊपर है। हमारे चित्र साल में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि आज लोग मोटरसाइकिल ऊपर आ रही और जा रही है। समस्या तो अभी भी बहुत बाकी हमारे, लेकिन अभी यहाँ तक रोड बन गया वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब लोग जो माथे पे ले जा रहे थे, जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं आते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ 3 प्लांटेशन भी बड़े हैं, बड़े बड़े बने हैं, उसमें ट्रेन से हैं और खड्डे वगैरह हैं, चेकडम है, और एक वन विभाग का और है इधर 50 हेक्टर का प्लांटेशन, वो भी अभी लमसम चालू है। और 70 साल में पहली बार ये बना है, इसके बाद और भी आधा बाकी हालत है। हमारे यहाँ स्कूल है, 4-5 स्कूलें पढ़ती हैं यूँ तो इस रोड पे, और इस रोड से 4 रोड है इधर उधर से जा रही है, एक बातान तलाई जा रही है, एक लरामबा और एक पाडलिया और एक माताजी। और सरकार ने इतना कर दिया तो भी धन्यवाद देना चाहते हैं हम। अब इसके बाद हमारे आगे का भी हो जाए, 7 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर अंदाज तो नहीं है लेकिन 2-1 किलोमीटर का हुआ है, और 7 किलोमीटर अगर इस साल में सरकार हमारे लिए और थोड़ी व्यवस्था करे तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए वरदान साबित होगा और सरकार को यहाँ के लोगों के लिए ना थोड़ा और भी ये कार्य हमारा रोड थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो हमारे को 70 साल की आज़ादी अभी मिल जाए हमको। बताओ, हमारे ग्राम पंचायत से ये हिस्सा टूटा हुआ था, यहाँ कुछ आने जाने का साधन नहीं था, बिल्कुल टूटा हुआ था। अब ये रोड जुड़ने से हमारा ये पूरा गांव हमारे ग्राम पंचायत से जुड़ गए, ये रोजगार गारंटी के अंतर्गत हमारा रोड रोड और चारागाह है। और मेरा नाम है किरण कुमारी पुडेरा, गांव का नाम कोटारिया, ग्राम पंचायत मादरी। यहाँ पे खूब दिक्कत था लेकिन अब तो रोड हुई है, तो मैं डिलीवरी हुई तो हेडिंग जाते हेडिंग की, अभी भी डिलीवरी हुई तो हेडिंग की पैदल की, तो खूब दिक्कत था लेकिन अभी तो रोड हुआ है, हेडिंग गई मैं पैदल गई। अच्छा, पैदल चल के गए थे? पैदल चल के गई, बड़ खबर था, ये काम हुआ जो अच्छा हुआ सब। मैं खूब 20 किलो दागिना लेने जाती तो हाथ पे लेकर जाता, अभी रोड काटा लेकिन अभी मोटरसाइकिल है उसके ऊपर लेके जाए। धन्यवाद।
मेरा नाम सर राजकुमार डामोर है, वार्ड नंबर 7 से वार्ड पंच होंगी वर्तमान में। सर हम पहले से ये गांव बिल्कुल दुखी था, ना तो रोड था ना कुछ नहीं, पगडंडी रास्ता था। और कोई भी बीमार हो जाता तो सर माथे पे तो के या झोली में लेके जाते थे। फिर जाके धीरे धीरे सर लोगों ने अब डिमांड की और थोड़ा बहुत जागरूक तो लाया, तब जाके अब सरपंच साहब ने सुनावी समय में और हम दोनों ने मिलके हमने वादा किया था कि सरकार से मांग करेंगे और कुछ भी करेंगे रोजगार गारंटी के तहत या किसी भी विभाग के तहत ये रोड निकल जाए तो ये गांव इस समस्या को दूर कर दे, ये रोजगार गारंटी। उसके बाद सारा गांव विकास कार्य और पुलिया निर्माण हुए और चालू भी है प्रगति पर। अभी छोटा मोटा सेगडम बनाए, टेंस बनाए, पेड़ पौधे लगाए हैं। किस चीज के लगाए सर आपने? पेड़ तो एक तो कनज के हैं और महुए और फल फ्रूट वाले हैं, रतन जोधे कमदी है देसी भाषा में कहते हैं, वो भी फल फ्रूट है। सर कनज के बता दो। कनज के सर तेल निकलता है और साबुन भी बनता है, और उसके बाद रतन जोधे उसका भी बायो डीजल, वो डीजल बनेगा तो हमारे को। और हमारे अगर ज़्यादा पेड़ बड़े हो जाएंगे या ये पेड़ पौधे रहेंगे तो हमारे लोग यहाँ से बीन के वापस बाजार में लेके जाएंगे, बेचेंगे तो उनको आर्थिक सहायता होगी। पर्यावरण, हाँ, पेड़ पौधों से सबसे पहले ये है हमारा मतलब शुद्ध वातावरण और हवा शुद्ध मिलती है, और पेड़ पौधे जितने भी ज़्यादा होंगे तो बारिश अच्छी होती है। सारा गाँव की चार दीवारी बाउंड्री पक्की बन गई सर, पेड़ पौधे रोकने के लिए और सार ये सब नहीं, बाउंड्री नहीं होगी तो फिर गाय बेच। सुरक्षा के लिए सर एक पक्का कोर्ट बाउंड्री करके फिर एक आदमी चौकीदार रखेंगे, बड़े कुएं टाइप खड्डे भी खोदे, सेगडम बनाए, रोजगार गारंटी। अब ये नरेगा का काम जितना भी चलता है जो मजदूर लोग हैं उनको बहुत फायदे मिलते हैं, क्योंकि घर पे घर, घर का भी काम हो जाता है और यहाँ काम करके फिर घर का घर रहता है और समय पे पेमेंट भी मिल जाता है। सर हम ये आशा चाहते हैं कि ये रोड नरमरीकरण बन जाए, और हमारे दो माँ बड़ी है, एक शिक्षा कर्मी विद्यालय है और वहाँ बिल्कुल आज अध्यापक, सरकारी अध्यापक भी पैदल जाता है, और आज इतना रोड बना दिया है तो यहाँ तक तो जा रहे हैं। सर थोड़ा हमारे लिए जंगल में रोड ले जाने की समस्या है, तो इनसे सरकार से विनती है कि कुछ भी करके हमारे को ये रोड दे, और थोड़ा दोनों साइड बाउंड्री करके, हमारी सिर्फ रोड के लिए जमीन चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है। रोड मिल जाए, रोड का रास्ता तो पानी की भी समस्या दूर हो जाएगी। पानी तो बिल्कुल सर यहाँ है, 3-4 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है और सिर पे लाना पड़ता है, यानी कि सुबह 6 बजे लोग निकलते हैं, 10 बजे कम से कम वापस घर पे लेके आ सकते हैं पानी। धन्यवाद, सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। नाम जगदीश चंद्र कसोटा और गांव मादरी में रहता हूँ, और पंचायत समिति मादरी है। और यह कि हमारे समस्या ये है कि हमारे 70 साल में कोई मतलब आज़ादी नहीं हुई, आज हम या हमारे सरपंच साहब ने 1 महीना हुआ है रोड निकाला है, वो भी आधा तक या तक मतलब आगे तक तो हमारा रोक दिया है, वन विभाग वालों ने रोक दिया है। इसके बाद में अभी तो फिर भी चल रहा है, पहले तो पगडंडी थी, उसके बाद में अभी मतलब आने जाने का व्यवस्था थोड़ी की है सरपंच साहब ने, गाड़ी मतलब फोर व्हीलर ने ये मतलब बाइक आई कि ऐसी चले ऐसा हुआ है। और हमारे समस्या ये है कि मतलब हमारे गांव में मतलब एक मेन बात तो ये है कि हमारा बीमारी की बहुत तकलीफ ज़्यादा है, यहाँ पे बीमारी हो जाती है तो हमारे ले जाने जाने का बहुत तकलीफ है,
और ये हमारे एक महीने पहले हमारे दोस्त की मम्मी ले जा रहे थे, तो उसको मतलब रास्ते में जाते जाते मतलब खाट पे ले जा रहे थे और इसको दम तोड़ दिया, फिर वो इसकी डेथ हो गई थी। अगर इसके पहले हमारे को रोड तो सही होता तो हम मतलब सही सलामत से फंसा सकते, तो उनकी जान बच जाती। इतना कहना है हमारा, था जान उसके बहुत खतरे में है और सरकार से भी निवेदन है, धन्यवाद। पैदा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लाल मिट्टी से हमारी काली पट्टी मतलब हो जाए तो बहुत धन्यवाद है। इतना कहना चाहता हूँ बस, धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश कुमार कसोटा, समाज सेवी, माँ सरपंच है, ग्राम पंचायत मादड़ी। मैं सबसे पहले सरकार का और जिला परिषद और जो हमारे पंचायत समिति जो साहब हैं या जितने भी अधिकारी उनका सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत मादड़ी में एक पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र यहाँ पे पाडलिया, लरांबा, कोटारिया, बातन तलाई जो मादड़ी से एक अलग हिस्सा है, जो आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी इन लोगों को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है जो पिछले कई वर्षों से हमारे पूर्वज और बाप दादा यहाँ बसते हुए उनको ऐसी कोई सरकार की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली थी। इस जन समस्या को देखते हुए आम ग्रामीण इलाके और आम जनता, माताएं बहनें सबकी जो मेन जो समस्या थी कि मेन रोड से इनके गाँव तक रोड पहुँचाना, पिछले कई वर्षों से इनकी डिमांड थी। कई पहले सरकारें आई गई, कई नेता ने राज किया, सब कुछ किया, परंतु इन लोगों की आज दिन तक कोई सुध लेने वाला नहीं था। और इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे पहले भी, परंतु कहीं छोटी मोटी बातें इनकी एप्लीकेशन पे या रिपोर्टों पे कोई ध्यान नहीं दिया था और इनकी वाजिब जो समस्या है, समस्या को आज दिन तक किसी ने निराकरण नहीं किया। परंतु हमारा पहले भी आज से 10 महीने पहले हमारे यहाँ जनसुनवाई में आदरणीय कलेक्टर महोदय जी पधारे थे, आनंदीबेन, तो उसमें हमारे इस ग्रामीणों ने जो समस्या रखी उस समस्या को देखते हुए और सरकार ने हमारी समस्या को सुना और हमें मादड़ी से लेके पाडलिया लरांबा तक एक जो रोजगार गारंटी के तहत कच्ची जो संपर्क सड़क जी मिली है, जो साइड कटिंग जो हमने जो की है, ये हमारे यहाँ इन तकरीबन 450 परिवारों को आज़ादी के बाद एक पहली बार सौगात मिला है। इनके यहाँ पे खुशी की लहर है और हम चाहते हैं कि आगे हमें इस रोड को आगे ले जाने के लिए, बीच में हमारा एक वन विभाग हमें अड़चन पैदा कर रहा है और वन विभाग को 1 किलोमीटर छोड़ के हमारा एक शिक्षाकर्मी विद्यालय बना हुआ है जो 2007-08-06 में बना हुआ था, और उस स्कूल को बनाने के लिए इन ग्रामीणों ने ऊँटों पर रेती, पत्थर, सीमेंट और सरिये ले जाके वहाँ पे एक शिक्षा कर्मी का विद्यालय खोला। वहाँ पे तकरीबन 50 बच्चे आज उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी जो अध्यापक हैं वो भी आज पैदल चलते हैं। यहाँ पे हमारे 2 माहवाड़ी केंद्र हैं, जो माहवाड़ी केंद्र है, इसी माहवाड़ी केंद्र से इतने अच्छा एक शिक्षा में डेवलप भी हुआ ऊपर, और यहीं से हमारे एक बच्चे का सिलेक्शन नवोदय स्कूल में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूल चलती है उसमें एक सिलेक्शन हुआ है। और हमारे यहाँ इन लोगों की मेन जो समस्या है रोड का है, यदि रोड इन लोगों के लिए बन जाएगी तो इसके साथ साथ में सारे विकास के काम भी जाएंगे। यहाँ पर बिजली, पानी, चिकित्सा, सारी प्रकार की जो समस्या है, तो हम इन आम जनता की समस्या को देखते हुए सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि हमारी जो मादड़ी से लेकर जो 7 किलोमीटर जो रोड है, जो आज़ादी के 70 साल में पहली बार जो मिला है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो अड़चनें आ रही है उन अड़चनों को सरकार और जो बैठे हुए अधिकारी हैं वन विभाग से हमें कोई ऐसा परमिशन मिल जाए ताकि इन लोगों को और सुविधा हो जाए। यहाँ पे ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं, तकरीबन 450 परिवार में आए दिन फंक्शन, बीमारी
मौतें वगैरह होती है तो हमारे को यहाँ से इलाज के लिए जो लाना पड़ता है यार ऊँट पे लाते हैं या फिर खाट में पकड़ के लाते हैं। तो रास्ते में आते हुए भी ऐसी 3-4 घटना हो गई है जो इंसान मर गए हैं। और डिलीवरी की जो महिला होती है रास्ते में ले जाते हुए भी डिलीवरी हो जाती है, जो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं फिर सरकार हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि आपकी डिलीवरी वहाँ है, हम एंट्री नहीं करते। जो सरकार की जो योजना या व्यक्तिगत जो आर्थिक मदद है वो उन गरीब लोगों को नहीं पहुँच सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कुछ और समस्या आ रही है लोगों की तरफ, जो समस्या आ रही है इन समस्या का निराकरण जिला परिषद या आगे सरकार तक हम पहुंचाएं। और हमें मेन जो हमारी जो समस्या है वो वन विभाग की है, यदि वन विभाग हमें NOC प्राप्त कर देता है और थोड़ी राहत दे देता है इन लोगों को, एक रोड की सुविधा उनको मिल जाए। यदि रोड की सुविधा हो जाएगी तो हमारे यह 2 मावाड़ी केंद्र जो सरकार की तरफ से चल रही है, एक शिक्षाकर्मी स्कूल चल रहा है, तो लोगों को एक शिक्षा के प्रति एक जागरूकता भी आई है और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के गांव का नाम रोशन करें। हम यही आशा करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में, पंचायती राज में जितने भी अधिकारीगण बैठे हुए हैं, हमारी समस्या जो है वो सुने। और भविष्य में आशा करते हैं कि और भी हमारे आगे काम बाकी है वो पूरा करें। और साथ ही हमारे यहाँ एक शरणोत्सव बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा है और इस शरणोत्सव में रोजगार गारंटी के तहत हमारे यहाँ काफ़ी लेबर काम कर रही है। इस कोरोना की महामारी की वजह से लोग बाहर नहीं जा पा रहे, सरकार की तरफ से हमें जो काम स्वीकृत हुए है उसमें लोग रोजगार कमा रहे हैं, समय पे पेमेंट हो रहा है, 2 पैसा मिल रहा है। और इसमें हमारे ट्रेंचें बनी हैं, चेकडम बने हैं, पेड़ पौधे 4,000 नए पेड़ पौधे लगाए हैं और एक अच्छा हमारे यहाँ पे एक चारागाह डेवलप हुआ है। उस चारागाह से हमारे यहाँ लोगों को चारा भी मिलेगा पशुओं के लिए, और उसके बाद पशुओं जो खेतीबाड़ी का जो काम है उसमें हर एक तरह का हमें मदद मिलेगी। सबसे पहले हमारे यहाँ रोड की जो समस्या है, रोड की समस्या के साथ साथ ये यदि निराकरण हो जाए तो आने वाले समय में रोड के साथ साथ सारे विकास चले जाएंगे। इन्हीं आशा के साथ मैं सरकार से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी जनता की जो डिमांड थी वो उन्होंने सुनी और ये एक रोजगार गारंटी के तहत एक साइड कटिंग करके लोगों को एक रोजगार मिला है और एक अच्छा काम मिला है। और भविष्य में आशा करता है कि आगे भी ये काम हमारा बना रहे हैं। और वन विभाग के अधिकारियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इन जनता की जो डिमांड को देखते हुए, यहाँ तकरीबन 1,000 पब्लिक रहती है, इन पब्लिक को एक छोटी सी किरण है, आशा है, इस आशा को पूर्ण करने के लिए मदद करें और उनकी समस्याओं को सुने। हमारे सारे ग्रामीण भाई बैठे हुए हैं, इनकी समस्या का निराकरण सरकार तक पहुंचाएं। और आप मीडियाकर्मी और आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।